नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आपकी आरजे किरण। लेकर आ गई हूं एक खास खबर और वो है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को लेकर। जी हाँ, आजकल ऐसी खबर है कि एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रह रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। जीत के बाद द स्पीच में उन्होंने खुद एलन मस्क का नाम लेते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा सहयोगी और फंडर बताया। दोनों के बीच वर्क केमिस्ट्री इतनी खास है कि मस्क फिलहाल फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के घर पर ही रह रहे हैं, ऐसी आजकल चर्चाएं हैं। मस्क पहले भी कई बार बता चुके हैं कि उनका अपना कोई परमानेंट घर नहीं है, बल्कि वे दोस्तों के घर या फिर दफ्तर में ही रात गुजारते हैं। दुनिया के कई सबसे अमीर लोग इसी श्रेणी में हैं, जो अपना स्थायी ठौर बनाने से बचते रहते हैं। आपको ये बता दें कि मस्क शुरुआत में ऐसे नहीं थे। साल 2020 की अगर बात करें तो 2020 से पहले उनके पास बहुत सारे शानदार घर और एस्टेट हुआ करते थे। इसी साल उन्होंने अपनी सारी अचल संपत्ति बेचने का ऐलान भी कर दिया था, जिसमें गाड़ियों से लेकर तमाम घर भी शामिल थे। यहां तक कि कैलिफोर्निया के हिल्सबोरो में 16,000 वर्ग फुट की हवेली बेच दी थी, जिसे 1912 में बनाया गया था। मस्क का कहना था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी से आए फंड का इस्तेमाल मंगल पर कॉलोनी बसाने में करेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने एक टर्म यूज किया था और वो था मिनिमलिज्म। इसका मतलब होता है कम से कम सामान में गुजारा करना। जरूरी नहीं कि मिनिमलिस्ट के पास घर ना हो, उसके पास संपत्ति हो सकती है लेकिन न्यूनतम। घर पर भी भारी भरकम फर्नीचर या टीवी जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मिनिमलिज्म। कम से कम लंबे समय तक गुजारा करने को मिनिमलिज्म कहते हैं। इसकी कोई पक्की लाइन नहीं है कि कितने सामान के साथ रहने वाले ही मिनिमलिस्ट हैं। किसी के पास गुजारे भर का सामान होता है तो कई लोग घर नौकरी तक छोड़ देते हैं और कुछ जोड़ी कपड़ों के साथ अस्थायी ठिकानों पर रहते हैं और अलग अलग नौकरियां करते हैं। लेकिन ये गरीबी से अलग है। मिनिमलिस्ट अपनी शर्तों पर और अपनी मर्जी से ऐसी लाइफस्टाइल चुनते हैं। तो ये थी आज की खास खबर। एक बार मैं फिर से आपसे फिर से जुड़ूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पीटी। रेडियो 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 पीटी।